यजुर्वेद का 36वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 18 मंत्र पढ़ लिए थे। 18वां मंत्र पढ़ते समय परमात्मा से प्रार्थना की गई है और उसका संबोधन क्या है, द्रिते अर्थात हे सारे अविद्या अंधकार पाप दोष दुर्गुण इन सब को नष्ट करने वाले, इन सब को समाप्त करने वाले ईश्वर मां दृंघ हमें दृढ़ कर दो, जिस पथ पर जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलते रहें, विचलित न हो, भयभीत न हो, मार्ग च्युत न हो, इस प्रकार की कृपा आप करो। और एक प्रार्थना की गई, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, सारे भूत सारे प्राणी हमें मित्र दृष्टि से देखें। अब मित्र दृष्टि मातृदृष्टि भ्रातृदृष्टि ये दुनिया को देने वाला कौन सा देश है, भारत देश ही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं इतिहास के पन्नों में कि केवल दृष्टि मात्र से हमने दुनिया के लोगों का दिल जीत लिया। आपने स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा, एक बार वो पानी के जहाज से जा रहे थे अमेरिका, एक उनका सहयात्री था। पानी के जहाज की यात्रा बहुत लंबी होती है, हवाई जहाज से तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन पानी के जहाज में, और उस समय उतनी द्रुत गति से चलने वाले जहाज भी नहीं थे तो महीनों लग जाते थे। तो बराबर का जो सहयात्री था उससे उनकी मित्रता हो गई। ये एक थोड़ा सा भी मिलना जुलना होता रहे तो एक दूसरे के प्रति स्नेह हो जाता है, उनको भी स्नेह हो गया। जब समुद्र का तट आने वाला था, अमेरिका समुद्र के किनारे पानी का जहाज पहुंचने वाला था, तो उस मित्र को ध्यान आया कि ये भारत का सन्यासी अमेरिका जा रहा है, ये कहाँ रुकेगा, कहाँ भोजन करेगा, और वहाँ पंजीकरण भी करवाना पड़ता था कि वो उस देश में पहुँच करके कुछ राशि दे करके पंजीकरण करवाना, जिससे कि उसकी सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं वो देश कर सके। तो उन्होंने पूछा स्वामी रामतीर्थ से कि स्वामी जी आप जा तो रहे हो अमेरिका में, आपकी व्यवस्था कौन करने वाला है, कौन आपको लेने आएगा, कौन आपका वहाँ पर मित्र है, कौन आपका संबंधी है। उसने बहुत सारे सवाल पूछे और उन सब का एक ही उत्तर स्वामी रामतीर्थ ने दिया कि मेरा मित्र मेरे पास बैठा हुआ है। केवल क्या कहा, मेरा मित्र तो मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे साथ ही इस पानी के जहाज में यात्रा कर रहा है। बस इतना कह करके वो मौन हो गए। जब समुद्र के किनारे जहाज पहुंचा, सब यात्री उतर करके जाने लगे, वो जो सहयात्री था वो पहले जल्दी से उतर गया और उतर करके उसने स्वामी रामतीर्थ के उतरने से पहले ही जो सारी औपचारिकताएं होती हैं, पंजीकरण, धन जमा करवाना, नाम वगैरह सब लिखवाना, वो सब करवा दिया। और स्वामी जी तो सबसे बाद में उतरे, उनका तो कोई परिचित था नहीं, जिसको मित्र कह रहे थे वो पहले उतर करके चला गया। तो सबसे अंत में उतरे कि पता नहीं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, कौन शरण देगा, कौन भोजन देगा। तो देखें कि समुद्र के तट पर वो मित्र जो था वो खड़ा हुआ है स्वागत करने के लिए और कहता है स्वामी जी आपकी सब व्यवस्था हो गई है, पंजीकरण हो गया है, धन जमा हो गया है, सब कुछ हो गया, केवल मित्र दृष्टि
स्वामी जी के मुख से केवल एक शब्द निकला कि मेरा मित्र तो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही प्रार्थना की गई है कि सारा संसार हमको मित्र की दृष्टि से देखे और हम सारी दुनिया को मित्र की दृष्टि से देखें। चलिए अब आगे चलते हैं। आपने पढ़ा है ना, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, वो वाक्य भी आपको याद है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, तो सब भूतों को सब प्राणियों को अपने समान देखना, आत्म उपमेन अपना जैसा, मुझे जिस बात से सुख होता है उससे दूसरे को भी सुख होता होगा, मुझे जिस व्यवहार से कष्ट होता है उससे दूसरे को भी कष्ट होता होगा, इसलिए जो जो मुझे अच्छा लगता है वैसा वैसा ही दूसरे के साथ करना। धर्म का भी तो यही लक्षण है, क्या है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत, ये भी है। और दूसरा एक है, देखिए एक तो लंबा लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, ये बहुत बड़ा था, 10 चीजें याद नहीं हो सकती, तो फिर छोटा बनाया, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म को जानना है तो कहते वेद पढ़ लो, वेद पढ़ना कोई सबके बस की बात नहीं है, तो कहा स्मृति पढ़ लो, स्मृति पढ़ना भी सब नहीं कर सकते, तो तीसरा सोपान सदाचार, सज्जनों का आचरण, अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तियों का जैसा आचरण है वैसा ही करो। कहा हमारे आसपास कोई सदाचारी रहता ही नहीं तो हम क्या करें, तो फिर चौथी बात कही स्वस्य च प्रियमात्मना, हमको अपने लिए जैसा अच्छा लगता है। बताओ दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता हो कि लोग मेरा अपमान करें, मुझसे कटु वचन बोलें, मुझे गालियां दें, मेरा तिरस्कार करें, मुझे भोजन न कराएं, मुझे बैठने की जगह न दें, कोई नहीं चाहता ना। तो हम भी दूसरों के साथ वही करें जो अपने लिए अच्छा लगता है, यही धर्म है। तो ये जो दृष्टि देने वाला चिंतन है ये वेद का चिंतन है। अब 19वां मंत्र देखें, द्रिते दृंघमा जोक्ते संदृशि जिव्यासम, जोक्ते संदृशि जिव्यासम, यहां भी वही संबोधन है, द्रिते अर्थात सभी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या राग द्वेष अविद्या अंधकार, सब बुराइयों को सारे दोषों को समाप्त करने वाले नष्ट करने वाले हे परमात्मन। मां दृंघ, यहां पर भी वही बात कही गई कि मुझे दृढ़ बनाओ, अश्मा भवतु नस्तनु, प्रार्थना की गई ना, हमारा तनु हमारा शरीर कैसा हो, अश्मा वज्र के समान, पत्थर के समान, पर्वत के समान, जैसे पर्वत दोलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, प्रकंपित नहीं होता, अपने स्थान से हटता नहीं है, इसी प्रकार से मैं भी अपनी जो मान्यताएं हैं, अपना जो मार्ग है, अपने जीवन का जो रास्ता है, उस पर दृढ़ता के साथ चल सकूं। मां दृंग, मुझे दृढ़ करो। जीवन में बहुत प्रसंग आते हैं जब व्यक्ति दोलायमान हो जाता है, विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, तो ऐसे समय पर मैं दृढ़ रहूं। और ते संदृशि, हे प्रभो तुम्हारी जो दिव्य दृष्टि है, संदृशि सम्यक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दूर तक की दृष्टि, हम में और ऋषियों में क्या अंतर है, हम में और महापुरुषों में ऋषियों में क्या अंतर होता है, उनकी दूर दृष्टि, बहुत दूर तक का देखते हैं, हम केवल वर्तमान जो अपने सामने है उसी को देखते हैं। तो
ते संदृशी, हे प्रभो आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो विशाल व्यापक दृष्टि है, उसमें जोग, जोग का अर्थ है निरंतर, सतत, हमेशा आपकी दिव्य दृष्टि में, आपकी विशाल दृष्टि में ही मैं जीवित रहूं, अर्थात मैं भी आपके समान ही विशाल दृष्टि का स्वामी बनूं, मेरी दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो। देखिए दृष्टि का ही तो सारा खेल है, जहां दृष्टि बदली वहां सृष्टि बदल जाती है, जहां दृष्टि ठीक हुई तो सारी सृष्टि ठीक हो जाती है। इसलिए सबके प्रति सम दृष्टि, सम जिव्यासम। फिर कहा उसी बात को, जोगते संदृशि जिव्यासम, प्रभो मैं निरंतर आपकी जो स्नेह दृष्टि है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपकी जो सम्यक दृष्टि है, उसी में मैं जीवन धारण करता रहूं, उसी को मैं जीता रहूं। ठीक है। ओम नमस्ते हरसे सोचिषे, नमस्ते अस्त्वर्चिषे, अन्यास्ते अस्मत् तपन्तु हेतयः, पावको अस्मभ्यं शिवो भव। हम जब वेद का अध्ययन करते हैं, ऋषियों की वाणी का, तो आपने अनुभव किया होगा कहीं तो शब्दावली बिल्कुल गुलाब के फूल की पंखुड़ियों के समान बड़ी कोमल, बड़ी सरल, बड़ी सहज, रस से, प्रेम से भरी हुई वाणी, और कहीं कहीं कठोर, जैसे कुचल देने वाली, समाप्त कर देने वाली, नष्ट कर देने वाली, मानो वज्र का प्रहार हो, जानो पत्थरों से किसी को पीट पीट करके प्राणहीन कर दिया हो, जैसे भवभूति ने अपने अमर नाटक उत्तर रामचरित में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है भगवान श्री राम के जीवन के विषय में, पढ़ी होगी आपने, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, आगे बोलिए, लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातु अर्हति। ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातु अर्हति। लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो लोकोत्तर होते हैं, लोक में, संसार में जो उत्तर, उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महामानव, महापुरुष होते हैं, तेषां चेतांसी, उनके चित्तों को, उनके मनों को, उनके दिलों को, उनके हृदयों को, उनके अंतःकरणों को ही विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है, उनको जानना बड़ा कठिन है। कैसे होते हैं वो? वज्रादपि कठोराणि, आवश्यकता पड़ने पर वज्र से भी कठोर, और समय के अनुसार मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी सुकुमार, कोमल होते हैं। यही दयानंद के जीवन में है, इतने कठोर कि अपना घर परिवार, मां बाप, धन संपदा सब कुछ छोड़ते समय जरा भी कोई कष्ट नहीं हुआ, विचलित नहीं हुए, लोगों ने विष के प्याले पिलाए तब भी विचलित नहीं हुए, कंकड़ पत्थर फेंके तब भी भयभीत नहीं हुए। क्या नहीं किया दयानंद के साथ, गालियां दी गई, पत्थर बरसाए गए, जहर के प्याले पिलाए गए, और अंत में कांच पीस करके दूध में मिला करके वो पिला दिया, लेकिन दयानंद विचलित नहीं हुए। धमकियां दी, राजस्थान में गए तो कहा गया कि महाराज यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन मत करना, यदि ऐसा करोगे तो आपके प्राणों को हानि हो सकती है, लेकिन भयभीत नहीं हुए। कहा कि नहीं, तुम्हारा जो ये राज्य है, इस राज्य को तो मैं एक दौड़ में पार करके जा सकता हूँ, लेकिन उस परमात्मा का ये जो साम्राज्य है, जीवन भर दौड़ता रहूँ तब भी इसको पार नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका जो आदेश है परमात्मा का, उसी का पालन करूँगा। इतने कठोर, लेकिन कुसुमादपि मृदुनी,
एक माँ को जब नदी के तट पर खड़े हो करके और जिस कपड़े में अपने मृत शिशु को लेकर के आई थी, उस शिशु को नदी में प्रवाहित कर दिया और जो कपड़ा लपेट करके शिशु को लाई थी उस कपड़े को धो करके फिर अपना तन ढक लिया। इस दृश्य को जब ऋषि वरदयानंद ने देखा तो रात भर नहीं सोए, रात भर बेचैन इधर से उधर घूमते रहे। उनके आप जैसे किसी भक्त ने पूछा कि महाराज क्या बात है, आप बहुत बेचैन हैं, आपको कोई शारीरिक कष्ट है, किसी प्रकार की और कोई व्यथा है? तो कहा कि नहीं, मुझे कोई व्यथा नहीं, केवल एक है कि ये देश इतना निर्धन हो गया है, जो सोने की चिड़िया थी वो देश इतना गरीब हो गया है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को नदी में प्रवाहित कर देती है लेकिन उस वस्त्र को उसके साथ प्रवाहित नहीं कर सकती। ये निर्धन दशा देख करके ऋषि वर दयानंद रात भर रोते रहे, आंखों में से आंसू बहाते रहे। तो वेद की भाषा भी ऐसी कहीं बड़ी कठोर, तो देखे यहां क्या कहा, हरसे नमः। हरसे, जो हरस है, चतुर्थी का एक वचन है ना, हरसे, हरति पापानि इति हरह, जो सारे पापों को हर लेने वाला है, हमारे सारे पापों को दूर करने वाला। दुरितानि परास्व, जितने दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर करने वाला, उस हर से नमः, हमारा नमन हो, प्रणाम हो। शोचिषे नमः, और जो शुच दीप्त, जो दीप्तिमान है, प्रकाशमान है, कांतिमान है, हमेशा जगमगाता रहता है, चमकता रहता है, ऐसे उस परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। अर्चिषे, जो अर्चना के योग्य है, जो वंदना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना करने योग्य है, ऐसे उस परमात्मा को हमारा नमः। और अगली भाषा देखे, अन्यास्ते अस्मत् तपन्तु हेतयः, अस्मद् अन्यान्, हमसे जो अन्य है। हमसे अन्य का मतलब क्या हुआ, ना 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 ना, मनुष्यतर नहीं, अस्मद् अन्यान् अर्थात हम जो सत्य मार्ग के पथिक हैं, हम वेद मार्ग पर चलने वाले हैं, हम देव सेना में भर्ती हो गए हैं, हम राम की सेना के सिपाही हैं, हमने कृष्ण की सेना में अपना नाम लिखवा रखा है, तो एक तो सेना हो गई हमारी, हमारा ग्रुप हो गया, और अन्य कौन हो गए, जो दूसरे, जो असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो रावण के अनुयायी हैं, जो कंस का अनुगमन करते हैं, जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं। तो कहते हैं अस्मद् अन्यान्, हमसे जो भिन्न है उनको, हेतयः तपन्तु, हे प्रभु आपकी जो हेती कहते हैं वज्र को, आपके जो कठोर शस्त्र हैं वो हमारे जो विरोधी हैं, आसुरी वृत्ति वाले, राक्षसी वृत्ति वाले हैं, उनको तपन्तु, उनको तपा दें। सभ्य का अर्थ होता है सभायाम, साधु सभ्य, और अन्य का अर्थ क्या होता है, अन्य का अर्थ होता है निरुक्त के अनुसार, आने तुम अयोग्य यथा अत्र भवन्तः सर्वे सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः अध्ययनार्थं समुपस्थिता, एताः साध्व्यः अत्र अध्ययनार्थं समायाता, परं भवत्सु भवतीषु अन्यः कोऽपि मद्यपः, कोई अन्यः कोऽपि दुराचारे संलग्नः जन अत्र आनेतुं न शक्यते, तो अन्यः न आनेयः, जिसको हम अपनी सभा में अपने लोगों के बीच में नहीं ला सकते, जो अच्छे लोगों में बैठने योग्य नहीं है, ऐसे अन्य लोगों को, ते हेतयः तपन्तु, आपके जो वज्र हैं, आपकी जो न्याय व्यवस्था है, आपके कठोर
जो प्रहार हैं वो उनको तपाएं और पावको अस्मभ्यम शिवो भव। पावक हम सबको पवित्र करने वाला जो शिव है, जो भगवान है, अस्मभ्यम शिवो भव, हम सबके लिए कल्याणकारी हुए। ठीक है, नमस्ते अस्तु विद्युते, नमस्ते स्तन इत्नवे, नमस्ते भगवन अस्तु, यतः स्वः समीहसे। कहा हे भगवान, हे प्रभो, दूसरी पंक्ति में देखे यतः यतः यतः, जहां जहां से, जिस जिस प्रकार से, येनेन उपायेन, येनेन प्रकारेण, यथा यथा, हे प्रभो, हे भगवन, स्वः समीहसे, अस्माकं सर्वेषामपि स्वः सुखम् कल्याणम् आनंदम् समीहसे अभिलषसि, जहां जहां जिस जिस प्रकार से, हे प्रभो, आप हमारा स्वः अर्थात सुख चाहते हो। मानव की बुद्धि बहुत छोटी होती है, जो स्थूल चीजें हैं वही केवल हमको दिखाई देती है। आपके सामने भोजन के थाल में बहुत सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ हो, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि वाह, आज हमारे सम्मान में कितना अच्छा भोजन मिला। आपको किसी ने झुक करके प्रणाम किया, आपके चरण स्पर्श किए, आप प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो आज एक भक्त मिला जो हमारे पैर छूता है। तो ये तो कुछ मोटी मोटी बातें जो हमको दिखाई देती हैं, लेकिन परमात्मा हमें किस किस प्रकार से सुख देते हैं, हमारा कैसे कैसे कल्याण चाहते हैं और करते हैं, ये हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, इसको हम नहीं जान सकते। वो तो वही जानता है कैसे कैसे किन किन रूपों में वो हमारा सहायक बनता है। तो वही बात कही, यतः स्वः समीहसे, हे प्रभो, जहां जहां से, जिस जिस प्रकार से आप हमारा कल्याण चाहते हो, हमको सुख प्रदान करते हो, ऐसे भगवान ते नमस्ते अस्तु, आपको हमारा प्रणाम है, आपको हम नमन करते हैं। कैसे, विद्युते अर्थात विद्युत के समान, विद्युत जैसे सर्वत्र व्याप्त है, कहीं भी विद्युत का अभाव नहीं है, कहीं वो दिखाई देती है, कहीं वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन विद्युत सर्वत्र व्याप्त है। तो विद्युत के समान जो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को हमारा नमः। स्तन इत्नवे नमः, स्तन इत्नवे, स्तन इत्नु का मतलब है गर्जन करने वाला, जो गरजता है। मैंने कहा था एक दिन कि बादल एक तो ऐसे हैं कि जो बिना गर्जन के ही बरस जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं आते हैं उमड़ते घुमड़ते हैं, खूब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और उसके बाद वर्षा होती है। तो स्तन इत्नवे अर्थात जो गरजता है और गरज करके हुंकार भर के दुष्टों का संहार करता है, दुर्जनों के लिए जो भयानक रूप धारण करता है, सज्जनों के लिए तो वो कोमल है, दुर्जनों के लिए वो गर्जन तर्जन करने वाला है। तो स्तन इत्नवे अर्थात जो गर्जन करके और दुर्जनों का संहार करता है, उसको हमारा नमस्कार है। और नमस्ते भगवन अस्तु, यतः स्वः समीहसे, प्रभो, जहां जहां से आप हमारे लिए सुख प्रदान करते हो, देते हो, ऐसे आपको हम नाना प्रकार से प्रणाम करते हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, बहुत सरल है। और इस मंत्र का उच्चारण प्राय बहुत विद्वान करते हैं अपने प्रवचन आदि के शुभारंभ में, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। अस्य मंत्रस्य अर्थः सर्वैरपि जायते,
यतः यतः समीह से, जहां जहां से, जिस जिस रूप से। कभी आप एकांत शांत स्थान में बैठ करके नेत्र बंद कर उस परमात्मा के ध्यान में डूब जाएं और उसकी कृपाओं का, उसकी दयाओं का पावन स्मरण करें, तो आपको अपने बाल्यकाल से अब तक के जीवन के अनेक दृश्य, अनेक प्रसंग, अनेक चित्र याद आएंगे कि परमात्मा कब कब कहाँ कहाँ किस किस रूप से रक्षा करते हैं, किस प्रकार से दया करते हैं, कैसे कृपा होती है उनकी। यता यता समीह से, ये बड़ा व्यापक शब्द है, इसमें सब कुछ आ जाता है। भोजन वो दे रहा है, वस्त्र वो दे रहा है, बोलने के लिए वाक शक्ति उसने दी है, देखने की ये दृक शक्ति देने वाला वो विधाता है, वेद मंत्रों को सुनने की जो श्रवण शक्ति है ये उसी की दी हुई है। ये सब यतो यतः समीह से, जहां जहां से हे प्रभो आप हमारे लिए अच्छा ही अच्छा सोचते हो, शुभ ही शुभ करते हो। ततः न अभयम कुरु, अभय की प्रार्थना अनेक मंत्रों में की गई है। भययुक्त जीवन कोई जीवन नहीं होता, निर्भय जीवन, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भय कभी न सताए। तो न अभयं कुरु, हमको भयहीन, भय रहित, अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात्, अभयम नक्तम अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, ये हमारी प्रार्थना है। न प्रजाभ्यः शम कुरु, हमारी जो प्रजाएं हैं, प्रजा में पूरा परिवार, परिवार में हमारे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, और उसी के साथ साथ यदि हमारे घर में धेनु है, गाय है, अश्व है, और कोई पालतू पशु हैं, तो वो सारा भी तो हमारा परिवार ही है। तो उस पूरे परिवार के लिए शन्नह कुरु, शम करो, और फिर स्पष्ट कह भी दिया न पशुभ्य अभयम, हमारे पशुओं को भी अभय कर दो, अर्थात जीव मात्र की रक्षा करना, केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि सबको वो अभय कर दें। ओम सुमित्रियान आप ओषधय संतु, दुर्मित्रियास्तस्मै संतु, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः, या आप रोज दोनों समय संध्या में बोलते हैं। क्या अभिप्राय इसका? हाँ देखे, पहले तो कहा कि जो हमसे द्वेष करता है प्रभो उसको नष्ट करो, या उसको हम आपकी न्याय रूपी दाढ़ में समर्पित करते हैं, उसका फैसला करना, उसका न्याय करना हमारा काम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ये सब आपका विषय है, आप ही उसका न्याय करेंगे। लेकिन केवल दूसरे के लिए नहीं कहा, फिर क्या कहा? यम च वयम द्विष्मः, वयम अपि द्विष्मः, हम भी तो किसी से द्वेष करते हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरे को तो दंड मिल जाए और हमें दंड न मिले, तो कहा उसको भी दंड दो, और यदि हम किसी से द्वेष करते हैं तो हमको भी दंड दो, हमारे साथ भी न्याय हो, उसके साथ भी न्याय हो, यही बात यहां कही। योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यम च वयम द्विष्मः, और जिससे हम द्वेष करते हैं, तो उसी में दो खंड कर दिए ऊपर भी। न आप ओषधय सुमित्रिया संतु, तस्मै दुर्मित्रिया संतु, हमारे लिए अर्थात जो हम सुमार्ग पर, सत्य पथ पर, ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले हैं, हमारे लिए सारे आप। देखिए आप शब्द कितना व्यापक है,
जैसे किसी का स्वास्थ्य कहीं पर ठीक रहता हो तो हम क्या कहते हैं, भाई यहाँ का जलवायु आपके लिए अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, या भवन अनुकूल है, यहाँ एसी लगा हुआ इसलिए अनुकूल है, ये नहीं कहते। जलवायु अनुकूल है, सबसे पहले जल, और अनुकूल ना हो तो हम कहते हैं कि ये जलवायु यहाँ का भाई हमें सूट नहीं करता, हमारे प्रतिकूल है। तो इसलिए आपह सुमित्री आसंतु, सबसे पहले जो जल हैं वो जल कैसे हो, सुमित्रिया हो, अर्थात अच्छे मित्र के समान हो, मित्र के समान रक्षा करने वाले हो। मित्र शब्द का जो महिमा है मैंने आपको एक दिन बताई थी, पंचतंत्र के श्लोक के माध्यम से लिखा होगा आपने, केनामृतम इदम सृष्टम मित्रमित्यक्षरद्वयम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र में लिखते हैं केनामृतम इदम सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम आपदाम च परित्राणम, आपदाम च परित्राणम शोक संताप भेषजम। विष्णु शर्मा ने देखे, पांच तंत्र है ना, उसमें से दो तंत्र तो मित्र के नाम से ही है। कौन कौन से हैं? हाँ, तो मित्र का कितना बड़ा महत्व है, तो कहते हैं कि मित्र ये दो अक्षरों वाला शब्द किस विधाता ने बनाया, क्या है इसकी महिमा। आपदाम च परित्राणम, सारी आपत्तियों से ये रक्षा करता है। जब कभी जीवन में कोई दुख आता है, संकट आया, विपदा आई, तो सबसे पहले आगे बढ़कर सहायता करने वाला मित्र होता है। शोक संताप भेषजम, और जितने शोक हैं, संताप हैं, उन सबकी भेषज है, औषधि है। सारे शोकों को मित्र मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया, अब किसी की हमको आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मित्रता के, चाहे वो कृष्ण और सुदामा की मित्रता रही हो, चाहे वो और कर्ण की मित्रता थी कौरवों के साथ, अपने प्राण दे दिए लेकिन मित्र धर्म का उल्लंघन नहीं किया। मित्र धर्म के निर्वाह के लिए कर्ण ने अपने प्राण दे दिए युद्ध की भूमि में। और इस समय मित्रता का उदाहरण आपके सामने है, किसका? हाँ, पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी, दोनों की मित्रता। और उस मित्रता का परिणाम देखिए कितना विशाल, ये आध्यात्मिक साम्राज्य, ऐसे सन्यासियों के, आप जैसे तपस्वियों का इतना बड़ा एक उत्कर्ष, तो ये मित्रता का ही तो परिणाम है। तो ये आपह जल, और आपह का दूसरा अर्थ ऋषि ने किया है प्राण। प्राण जल, देखिए वेद की भाषा ना, ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक अंग्रेजी में कहते हैं सिंबॉलिक, सिंबल, प्रतीक एक दे दिया, अब उस प्रतीक में से आप जितना चाहो उतना अर्थ निकालते रहो। ये आपके बुद्धि के विस्तार की बात है कि आप उस शब्द का भी उतना ही विस्तार करते चले जाओ। तो आपह, आपह कर्म को भी कहते हैं, आपह कर्म, आपह जल, आपह प्राण। तो हमारे लिए जल मित्रवद हो, प्राण मित्रवद हो, हमारे कर्म मित्रवत हो। मित्र के कर्म में और शत्रु के कर्म में तो बड़ा अंतर होगा ना। और दुर्मित्रियास तस्मै संतु, और तस्मै, तस्मै जनाय, तस्मै मानवाय, उस मानव के लिए दुर्मित्रिया संतु, शत्रु के समान हो जो हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं। ठीक है।
और अब ये मंत्र देखे, ओम तचक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम अदीनः स्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात। तत् मैंने बताया था ब्रह्म शब्द जो है संस्कृत में नपुंसक लिंग में, इसलिए तत् तत्वमसि। वेदांत के इस वाक्य में भी तत् का मतलब है तद् ब्रह्म, वह ब्रह्म। सर्वम खलु इदम् ब्रह्म, इदम् ब्रह्म, ये सारे जो वाक्य हैं इनको महावाक्य अनुभव वाक्य कहते हैं। तो इनमें सब में ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो तत् का मतलब वह, वह कौन? वह चेतन ब्रह्म, वह सबको उत्पन्न करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबके कर्मों को देखने वाला, सब पर नियंत्रण रखने वाला, सबका व्यवस्थापक, सबका राजा, सबका गुरु। गुरु भी है ना वो, कैसे? कोई सूत्र आपने पढ़ा? तामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो गुरुणाम अपि गुरु है, पितृणाम अपि पिता, मातृणाम अपि माता, माताओं की माता, पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, आचार्यों का आचार्य, तद वह ब्रह्म। तो अब ऐसे आप अर्थ की व्याख्या करेंगे तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। करते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपकी वाणी, आपका हृदय, आपका मन उसके साथ जुड़ता चला जाएगा और उसका विस्तार होता चला जाएगा। तो वह चक्षु हो, वो चक्षु है, अर्थात इसका एक तो अर्थ हुआ कि वो हमारी आंख है। आंखों से हम सारी दुनिया को देखते हैं। आप उन लोगों से पूछिए जिनकी नेत्र ज्योति किसी कारण से छिन जाती है, उनको पता है आपके लाल कपड़े कैसे हैं और इनके सफेद कपड़े कैसे हैं? ये तो इन आंखों से ही तो दिखाई देता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी आंखों से ही तो देख रहा हूं कि किसका मन पढ़ने में लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। यदि आंखें ना हो तो मुझे क्या पता चले कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं, आपस में बातचीत कर रहा है, किसका मन प्रसन्न हो रहा है पढ़कर, किसका मन दुखी है कि कब छुट्टी मिले। तो ये आंखों का ही सारा खेल है। तो कहते हैं चक्षुओं के समान, नेत्रों के समान जो सबको देखने वाला है, वो मंत्र आपको याद होगा ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते पयोरन्य पिप्पलम स्वादुति अनष्टन अन्यो अभी चाकशीति। तो ये वही बात है, चाकशीति, वो केवल देखता है। और कहते ना द्वौ सन्निषद्य यन मंत्र येते राजा तद वेद वरुण स्तृतीय, ये मंत्र भी सुना होगा आपने। अर्थात दो व्यक्ति एकांत में किसी अंधेरी गुफा में बैठ करके कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, किसी को लूटने की, किसी को मारने की, कोई और बड़ा अनर्थ करने की, और वो सोचते हैं यहाँ तो हमें कोई देख नहीं रहा। लेकिन कहते हैं वहां पर भी जो वरुण देवता की तीसरी आंख है वो देखती रहती है, उससे बच करके कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां चक्षु, चक्षु के समान सब कुछ दिखाने वाला सर्वदर्शक, और देवहितम, देवों के लिए जो हितकर है, और शुक्रम, शुक्रम, शुक्रम अर्थात प्रकाशमानम, दीप्यमानम, जो प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, जगमगाने वाला है, उच्चरत, ऊपर को उठाने वाला है, उसको पुरस्तात अर्थात ऐसा उस परमात्मा का जो स्वरूप है हमारे सामने है। पुरस्तात, पुरस्तात कहते हैं जैसे मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं, इसी प्रकार से परमात्मा का जो चक्षुरूप
देवहितम, शुक्रम, उच्चरत, ये सारा का सारा हमारे पुरस्तात आगे है। ऐसे उस ब्रह्म से, ऐसे उस सबके हितकारी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, झोली फैलाते हैं, कामना करते हैं। क्या? शरदः शतम्, शतम् शरदः पश्येम, 100 साल तक देखें। 100 साल तक क्या देखें? किम पश्येम, शतम् पश्येम, ये सीधा साधा वाक्य नहीं है। 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक जीवित रहें, 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक बोलते रहें, ये नहीं है। पश्येम अर्थात परमपिता परमात्मा का जो अद्भुत सौंदर्य है, उसकी ये जो महान सृष्टि है, इस सृष्टि की जो विविधता है। आप प्रातःकाल, आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे सब लोग 4 बजे, जब सूर्योदय होता है और प्राची दिशा में उषा की लालिमा फैलती है, उसके बाद भगवान भास्कर की किरणें सारे भूमंडल पर व्याप्त होती हैं, सवेरे सवेरे पक्षी आकाश में पंक्तिबद्ध होकर के उड़ते हैं, है ना? तो ये सारे के सारे जो दृश्य हैं, इनको देखने से क्या मिलता है? मन पवित्र होता है, विटामिन डी तो मिलता ही मिलता है, मन भी पवित्र होता है, विचार शुद्ध होते हैं, उत्साह का जागरण होता है, आलस्य प्रमाद दूर होता है। तो पश्चिम का अर्थ है कि हम 100 साल तक इस प्रकार से प्रभु के सौंदर्य को, प्रभु की इस सुंदर रचना को, इस सृष्टि में जो रंग बिरंगे पशु पक्षी, नाना प्रकार के फूल, पेड़ पौधे, लताएं, कलकल निनाद करती हुई नदियां, इन सबको हम देखें। जीवे में शरदा शतम, हम जिए कैसे? केवल खाते पीते सोते हुए जिए? नहीं, जीवे में शरदा शतम अर्थात किसी महान लक्ष्य को लेकर के, किसी उत्तम कार्य के लिए प्रभु हम 100 साल तक जीवित रहें। सबके साथ ऐसे ही चिंतन जोड़ते जाइए। शृणुयाम शरदा शतम, 100 साल तक हम सुने। क्या सुने? वेद की ऋचाएं सुने, श्रेष्ठ महापुरुषों के अमृतोपदेश सुने, दूसरों के सद्गुण सुने, प्रभु भक्ति के गीत सुने, अच्छी अच्छी बातें हमारे कानों में पड़े। भगवान ने कान केवल निंदा सुनने के लिए नहीं दिए, निंदा रस बहुत बड़ा रस है और इसमें बड़े बड़े लोगों का मन खूब रमण करता है। आप किसी की बुराई करने लगो तो आदमी सब काम छोड़ करके उसको ध्यान से सुनता है, इसमें तो मन ऊब जाता होगा वेद पढ़ते पढ़ते कि ये भी क्या ले करके बैठ गए, चलो जल्दी से ख़त्म हो। लेकिन उसमें लगता है हाँ ये अध्याय चलता रहे चलता रहे, और कानों में ये चीज़ें पड़ती रहे। तो कहते ना, प्रभो आपने कान दिए हैं तो हम इससे कुछ शुभ सुने, मधुर सुने, अच्छा सुने, लोक कल्याण करने वाला सुने। प्रब्रवाम शरद शतम, 100 साल तक हम बोलते रहे। क्या बोलें? इन इस जिह्वा से, इस वाणी से, इस मुख से प्रभु का गुणगान, उसकी प्रभु भक्ति के गीत, उसकी ये मंगल ऋचाएं, उसके पावन मंत्र, और इसके अनुसार जो ऋषियों की कल्याणमयी वाणी, सबका हित करने वाली, आपने वो मनुजी का श्लोक पढ़ा होगा ना, सत्य पूताम वदेद वाचम दृष्टिपूतम नसेत पादम, पैर रखे, कितनी उत्तम कल्पना है कि दृष्टिपूतम नसेत पादम, पैर रखे तो पहले अपनी दृष्टि को पवित्र बना ले, आंखों में कोई विकार ना हो। सामान्य विकार तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, नेत्र चिकित्सक के पास, दवा डाल देगा और वो विकार ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा विकार है जो आंखों में बस जाता है, वो किसी दवा से दूर नहीं होता, वो तो परमात्मा की भक्ति से, चिंतन से, मनन से, योगाभ्यास से, धारणा ध्यान समाधि से, श्रेष्ठ विचारों से दूर होता है। तो हम प्रब्रमाव शरदा शतम,
सत्य की छलनी से छाल कर, एक मंत्र और आया है आपने व्याकरण पढ़ा होगा, सक्तुम इवतित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखाय सक्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। सक्तु किसको कहते हैं? सत्तू होता है खाने का, बिहार आदि राज्यों में पूरब में उसका अधिक सेवन किया जाता है। तो जैसे उसको छलनी में कपड़े में छान करके और फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही वाणी का प्रयोग, वाणी तो ऐसी है कि दूसरे के हृदय को छलनी कर दे, और वाणी ऐसी है कि दूसरे के आग के समान जलते हुए हृदय को बिल्कुल शीतल कर दे। वाणी का बड़ा प्रताप होता है। तो प्रभुराम शरद शतम अदीन श्याम शरद शतम, दीन होकर जीना कोई जीना नहीं है, अधीन होकर के। गीता का सार क्या है अंत में? आपने गीता पढ़ी है या सुना है, उसका सार है अंत में न दैन्यम न पलायनम, दीनता भी नहीं और पलायन भागना। किससे भागना? अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म है करना चाहिए। ब्रह्मचारी का क्या कर्म है, सन्यासी का क्या कर्म है, गृहस्थी का क्या कर्म है, योद्धा कारगिल की चोटियों पर खड़ा होकर के पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका क्या कर्म है। सबके अपने अपने कर्म है ना, पिता का कर्म, पुत्र का कर्म, भाई का कर्म, गुरु का कर्म, शिष्य का कर्म, अपने कर्म का पालन करना। इसलिए गीता में लिखा है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेयस्कर है, अपने धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म को अंगीकार करना भयावह है। इसलिए अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपने आदर्श, अपना सद्व्यवहार, अपनी जीवन पद्धति, अपने जीवन मूल्य, इन सब को साथ लेकर के चलना, यह है स्वधर्म। और भाग खड़े न होना, देखे ना वो तो क्या स्थिति हो गई थी अर्जुन की, प्रारंभ में पहले अध्याय में आपने पढ़ी, क्या कहता है, सीदंती मम गात्राणी वेपतुश्च जायते। तो कहते हैं कि मेरे गात्र जो है कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, वाणी से शब्द नहीं निकल रहा है, मेरे सामने मेरे मामा चाचा ताऊ गुरु बाबा ये सब खड़े हैं, इनकी हत्या करके यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल गया तो मैं उसको प्राप्त करके क्या करूंगा। मोहग्रस्त था ना, दीन, उसको अधीन बनाने का काम किसने किया? श्री कृष्ण जी ने किया। इसलिए कहते हैं अधीना श्याम, दीनता से रहित, दीनता पलायन इनको छोड़ करके अधीन होकर के अपलायनशाली। और शरद शतम भूयश्च शरद शतात, शरद और वसंत ये दोनों बहुत ही ऊर्जा प्रसन्नता सुंदरता को समेटे हुए शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम एतत् त्रयमपि शरद शब्दे सन्निविष्टम वर्तते, शरद शब्द में सत्य शिव और सुंदर तीनों का समावेश है। तो हम शरद शतम अर्थात जिसमें सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है, ऐसे सैकड़ों शरदों तक, सैकड़ों वर्षों तक संसार में बने रहें, आबाद रहें, हमें कोई उजाड़ ले ना पाए। और यहीं तक नहीं, भूयश्च शरद शतात, शतात अभी भूय, इससे भी आगे हमारी ये जीवन यात्रा, हमारी ये साधना, हमारी तपस्या, हमारा श्रेष्ठ जीवन, हमारी उत्तम जीवन पद्धति निरंतर निरंतर सदा सर्वदा बनी रहे। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ ये
अध्याय पूरा होता है। और यहाँ पर कितना सुंदर भावार्थ लिखा है ऋषिवर दयानंद ने, ये देखने योग्य, पढ़ने योग्य है। क्योंकि ऋषि की जो शैली है दयानंद की, या तो पहले मंत्र के भाष्य में उसके भावार्थ में अपने मन की बात उंडेल देते हैं, या जब अध्याय पूर्ण होता है तो अध्याय की पूर्णता पर भक्त हृदय थे, ऋषि थे, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही संसार में कार्य करने के लिए आए थे, अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा उनकी शेष थी नहीं, पूर्ण काम थे। पूर्ण काम जानते ना, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, अब अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो पूर्ण काम होने के कारण आपने ये भी सुना होगा कि ऋषि दयानंद जब वेद भाष्य करते होते थे और किसी मंत्र का अर्थ जब समझ में नहीं आता था, पहले मंत्र के साथ दूसरे मंत्र की संगति जब नहीं लगती थी, तो वो वहाँ से उठ करके दूसरे कक्ष में चले जाया करते थे और वहाँ जाकर के वो समाधि लगाते थे, और समाधि लगाने के बाद परमात्मा से ही पूछते थे कि इस मंत्र का क्या अर्थ है। और समाधि में उस मंत्र का अर्थ जब उनको प्रत्यक्ष हो जाता था, जब वो मंत्र खुल जाता था, तब आकर के पंडित जो लिखने के लिए बैठे हुए होते थे, उनको वो उस वेद का भाष्य, उसका अर्थ लिखवाया करते थे। तो दिव्य दृष्टि थी। तो प्रत्येक अध्याय के समापन पर, उसकी पूर्णता के अवसर पर जो उनके भाव होते हैं, वो पढ़ने योग्य हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, हे परमेश्वर भवत कृपया भवत विज्ञातेन भवत सृष्टिम पश्यन्तः उपयुञ्जानः अरोगः समाहितः संतो वयम् सकलेन्द्रियैर् युक्तः शताद् वर्षेभ्योपि अधिकं जीवेम सत्यशास्त्राणि भवद्गुणांश्च शृणुयाम वेदादिन अध्यापयेम सत्यम उपदिशेम कदाचित् केनापि वस्तुना विना पराधीना न भवेम सदैव आत्मवशाः सन्तः सततम् आनन्देम अन्याश्च आनन्देम। कितनी भक्तिपूर्ण, कितनी प्रेम से भरी हुई भाषा है। क्या कहते हैं, हे परमेश्वर भवत कृपया। ये शब्द ऋषि दयानंद की शब्दावली में इतना रमा हुआ है। संध्या में भी आपने देखा, जब भक्त संध्या करते 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 जब क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, बिल्कुल समाधिस्थ हो गया, तब वो कहता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया। अनेन जपोपासनादि कर्मणा, वो आगे की चीज है, लेकिन कृपया अर्थात जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति का किया हुआ जो पुरुषार्थ है वो भी निरर्थक सा दिखाई देता है। जब हमारा पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा दोनों का संगम हो जाता है, दोनों जब मिल जाते हैं, इसलिए हमारे प्रयत्नों की पराकाष्ठा, प्रार्थना, आप सब प्रार्थना करते हैं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि प्रार्थना करते समय एक तो व्यक्ति को बिल्कुल निरहंकार, मैं कुलपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, कोई भेद नहीं, बस एक ही नाता और रिश्ता, वो मेरा आराध्य है, मैं उसका आराधक हूँ, वो मेरा पूज्य है, मैं उसका पूजक हूँ, वो मेरा भगवान है, मैं उसका भक्त हूँ, वो मेरा उपास्य है, मैं उसका उपासक हूँ, इतना भाव। वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है, वो मेरा आचार्य है, वो मेरा गुरु है, और मैं उसका एक अबोध सा नन्हा सा बालक हूँ। मराठी में बड़ी सुंदर एक पंक्ति आती है, लहान पन देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। कमाल की पंक्ति है मराठी में,
भगवान से प्रार्थना की गई है। भगवान से क्या मांगा? धन दौलत नहीं मांगी। कहा हे प्रभो लहानपन देगा देवा, देवा अर्थात हे प्रभो लहानपन दे, मुझे बहुत छोटा बना दो, बिल्कुल सबसे छोटा। कोई पूछे कि इस कक्षा में सबसे छोटा कौन है तो लोग कहे कि हाँ ये सबसे छोटा है, मैं सबसे छोटा। क्यों? सबसे छोटा पशु पक्षियों में कौन है? हाँ? चीटी। चीटी है ना सबसे छोटी, मूंगी कहते हैं मराठी में उसको, चीटी को। मूंगी साखरे चारवा, जो चीटी है उसको खाने के लिए कौन क्या देते हैं लोग? चीनी। उसको डालते हैं कि यहाँ चीटियां हैं, चीनी डाल दो, मीठी चीज खिलाते हैं उसको। अब तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा जो चीटियों को मारता हो। यदि कहीं चीटियां हो गई तो उनको दूर भगाने के लिए तो कोई उपाय किया जा सकता है, लेकिन उनकी हत्या कोई नहीं करता, उनको सब चीनी खिलाते हैं। तो कहे प्रभु मुझे छोटा बना दो, शिशु बना दो, बालक बना दो, क्योंकि चीटी को लोग चीनी शक्कर खिलाते हैं। और सबसे बड़ा प्राणी कौन? हाथी ऐरावत। हाथी का पर्यायवाची ऐरावत, और ऐरावत भी उस हाथी को कहते हैं जो बहुत लंबा चौड़ा होता है, छोटा मोटा दुर्बल कमजोर हाथी नहीं, ऐरावत इंद्र का हाथी। ऐरावत रत्न थोर, थोर का मतलब बहुत बड़ा, रत्नों से आभूषणों से लदा हुआ, त्याशी अंकुशाचा मार। उसको कोई चीनी खिलाता है क्या? जब उसको चलाना हो तो क्या करता है महावत? अंकुश मारता है, एक प्रहार करता है कि चल आ गए। तो इसी तरह से जिसको ये अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं हाथी की तरह से, भगवान फिर उसको कोड़े लगाता है, उस पर मार पड़ती है, उसका सम्मान नहीं होता, उसको डंडे लगाए जाते हैं। और जो अपने आप को छोटा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं। मैंने बताया था ना कि जब ऋषि वरदयानंद दानापुर में गए और वहां उनके व्याख्यानों की धूम मच गई, लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, तो लोगों ने आकर कहा महाराज हमारी धरती धन्य हो गई, आप जैसा ऋषि, आप जैसा वेदों का प्रकांड विद्वान, आप जैसा महामानव हमारी इस भूमि पर आया है, हम तो धन्य हो गए। जब उनकी प्रशंसा में हम लोगों की कोई प्रशंसा करे तो हम तो फूल के कुप्पा हो जाएंगे। लेकिन ऋषि दयानंद की जब प्रशंसा की तो वो क्या कहते हैं बाद में, अरे तुम मुझे ऋषि कहते हो, तुम मुझे पंडित और विद्वान कहते हो, तुम मुझे वेद का विद्वान मानते हो। यदि गौतम कणाद और कपिल के समय में मेरा जन्म हुआ होता तो ऋषि महर्षि विद्वान की तो बात ही छोड़ो, मेरी गणना सामान्य पंडितों में भी नहीं होती। और आगे जो लिखते हैं कमाल करते हैं, जिसने वेद का भाष्य किया हो वो विद्वान आगे लिखता है, और ऋषि लिखता है मैं तो वेद रूपी समुद्र के किनारे बैठा हुआ हूं, और किनारे पर पड़े हुए जो कंकड़ पत्थर हैं उनको बटोरने का, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहा हूं, इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं आता। तो जो अपने आप को जितना लघु बताएगा दुनिया की दृष्टि में वो उतना ही महान होगा। तो यहां कहा कि हे प्रभु आपकी कृपा से भवत विज्ञातेन, और कहा चाबी क्या है सफलता की कुंजी, भवत विज्ञातेन, जब तक आपको नहीं जानेंगे, आपको जानने से, और भवत सृष्टिम पश्यंतः, आपकी सुंदर सृष्टि को इस संसार को देखते हुए, और उपयुंजाना इसी का उपयोग करते हुए, रोग रहित होकर, समाहिता 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 अर्थात जिनकी सारी वृत्तियां जान, जिनकी सारी चंचलताएं वो सब के सब एक जगह पर स्थिर हो गई हैं, समाहित हो जाना अर्थात परमात्मा में खो जाना, परमात्मा में डूब जाना, परमात्मा में अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर देना। समाहिता संतः अर्थात हम आप में समाहित हो जाएं, और सकलेन्द्रिय युक्ता सारी इंद्रियां ठीक हो, इसीलिए तो रोज हवन हो या संध्या हो ये काम तो जरूर होता है ना, अंग स्पर्श। तो सारी इंद्रियों से युक्त हो करके 100 वर्षों से भी अधिक जीवन हम जिए,
और क्या करें, सत्य शास्त्राणी, जो सत्य शास्त्र हैं, और उसी के साथ साथ प्रभो आपके जो गुण हैं उनको हम सदा श्रृणुयाम, सुनते रहें, वेदादि का अध्ययन अध्यापन करें, सत्य का उपदेश करें। कदाचित केनापि वस्तुना बिना पराधीना न भवे मा, निर्धन होना कोई अच्छी बात नहीं है। निर्धनता षष्ठम महापातकम, मृच्छकटिकम में लिखा है कि दरिद्र होना छठा महापाप है। इसलिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रईनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों तो केनापि वस्तुना बिना पराधीना न भवे मा, किसी भी वस्तु के अभाव में हम पराधीन न हो। सदैव आत्मवशा संतम, और हमेशा आत्मवश, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसने अपने आप को अपने वश में कर लिया है, मैं जो चाहूंगा वही देखूंगा, मैं जो चाहूंगा वही सुनूंगा, सारी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण, उसी को तो इंद्र कहते हैं। इंद्र कौन है? जिसने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे सततम आनंदेम, हम स्वयं हमेशा आनंद प्राप्त करें, अन्यांश्च आनंदेम, और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते रहें। इस प्रकार से आपका यजुर्वेद भाष्य 3300 अध्याय पूर्तिम अगाध, ये पूरा हो गया।